हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम पीएचपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं और काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने अभी तक क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं एक नए कंसेप्ट के ऊपर, वो है नेमस्पेस। नेमस्पेस क्या होता है दोस्तों, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, वो चीज़ आज हम सीखते हैं। नेमस्पेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों, नेमस्पेस एक्चुअली पीएचपी में इंट्रोड्यूस हुए हैं पीएचपी के वर्जन 5.3 के बाद। और नेमस्पेस जो है एक्चुअली यूज़ किए जाते हैं पीएचपी में क्लासेस को बेटर वे में मेंटेन करने के लिए या क्लासेस को बेटर वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे आप एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, प्रोजेक्ट में अपनी फाइल्स को आप मेंटेन करके रखते हो फोल्डर्स के अंदर, सेम सॉर्ट ऑफ वे में नेमस्पेस के अंदर जाके आप अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगा, जैसे आप फोल्डर्स के अंदर जो है सेम नेम से टू फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सिमिलर सॉर्ट ऑफ वे में यहाँ पे पीएचपी के अंदर जब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो सेम नेम से आप दो क्लासेस जो है यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब ये तो रहा एक नया कंसेप्ट। अब एक और बात अगर मैं यहाँ पे एडअप करना चाहूँ तो सपोज़ दैट जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है तो उसमें आप एक नई फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए सपोज़ दैट आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी टूल का वहाँ पे यूज़ करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो ऐसे केसेस में ये कई बार हो जाता है कि आपका जो क्लास है वो किसी उस थर्ड पार्टी क्लास में भी सेम नेम से कोई क्लास एग्जिस्ट करती होगी। तो ऐसे केसेस में वो जो है वहाँ पे नेमिंग जो कन्फ्लिक्शन हो जाने की वजह से पीएचपी उसमें एक स्क्रिप्ट में कन्फ्लिक्शन पैदा कर देता है और वो आपके कोड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता या पीएचपी एग्जैक्टली तौर पे ये अंडरस्टूड नहीं कर पाता है कि विच पार्ट ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट, ठीक है ना। क्योंकि सेम नेम से आप जो है दो फाइलों को वहाँ पे कॉल कर रहे हैं या दो क्लासेस को वहाँ पे वो आप कॉल कर रहे हो, तो उसको वहाँ पे एक कन्फ्लिक्शन एक कन्फ्यूजन सा वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे नेमस्पेस जो है यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी क्लास को एक नेमस्पेस के अंदर जो है डिफाइन करके रख सकते हो और वहाँ से फिर उस नेमस्पेस का यूज़ करके आप अपनी क्लासेस को कॉल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो आप नेम स्पेस को एक तरह से अपना एक वर्चुअल फोल्डर की तरह ले सकते हो जो वर्चुअली आपकी फाइल को स्टोर करके रखता है और ये अलाउ करता है आपको सेम नेम से दो या उससे ज़्यादा जितनी भी क्लासेस आपने क्रिएट करनी है आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपनी डायरेक्टरी या अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये सब चीज़। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैंने एक नेम स्पेस के नाम से ही फोल्डर बनाया है। इस पर तीन फाइलें मैंने क्रिएट की, इंडेक्स, प्रोडक्ट एंड डेटाबेस। जो प्रोडक्ट क्लास है वो मेरी ये वाली क्लास है, ये देखिए सिंपल कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाया है इसके अंदर और एको किया है इसमें, नथिंग एल्स। डेटाबेस में भी सेम चीज़ मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया और जब मैंने जैसे इन क्लास को यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले इनको इंपोर्ट करके रख दिया। अब किसी भी क्लास को जैसे मैंने जाके यहाँ पे यूज़ करना है, सपोज दैट मुझे प्रोडक्ट क्लास को यूज़ करना है तो मैं प्रोडक्ट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, प्रोडक्ट, ओके, और सेव करता हूँ और जाके इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यस आई एम गेटिंग द आउटपुट जो मुझे चाहिए थी वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये इस तरह से आप नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको नेम स्पेस के अंदर कैसे यूज़ किया जाए इस क्लास को। अब सबसे पहले जब भी आप किसी क्लास को किसी एक नेम स्पेस के अंदर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी रहता है कि जो नेम स्पेस आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो दैट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर कोड, कि सबसे टॉप में ये चीज़ यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ये सबसे पहली रहेगी, अदरवाइज वो एरर यहाँ पे जनरेट कर देगा अगर आप यहाँ पे कहीं बॉटम में या मिडल वे में उसको इंट्रोड्यूस करते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको जैसे मैं किस नेम स्पेस के अंदर यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ तो नेम स्पेस, और उसके बाद जो भी आपने इसको नेम स्पेस देना है वो आप यहाँ पे इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो या अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंगली आप इसको नेम दे सकते हो। एक तो ये तरीका रहता है, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो और दूसरा ब्रैकेट्स में भी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि अपना जो कोड है, जैसे ये मेरा कोड है मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। आप इस तरह से भी इसको डिफाइन करके रख सकते या इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते, ये भी दोनों एक अप्रोच है, आपको जो भी बेटर अप्रोच लगती है
आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ओके, और इसको ज़रा इंडेंट कर लेता हूँ सही में। सो दिस इज़ द वे। तो मैंने ये प्रोडक्ट क्लास को ऐप नेम स्पेस के अंदर यहाँ पे स्टोर करके रख दिया है। अब जाके जैसे मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया है, अब मैं इसको रन करता हूँ ज़रा कोड को क्या होता है। यस, यू आर गेटिंग द एरर ऑफ द क्लास प्रोडक्ट। अब इसको यहाँ पे प्रोडक्ट क्लास यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो रही है या मिल नहीं पा रही है जो प्रोडक्ट क्लास यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो अब इसको कैसे यूज़ किया जाए, क्योंकि हमने इसको एक नेम स्पेस के अंदर यहाँ पे स्टोर करके रख दिया। जैसे मैंने कहा, नेम स्पेस आपका एक वर्चुअल फोल्डर है। तो जैसे आप फोल्डर के, आपने देखा होगा, जैसे आप फोल्डर के अंदर से कोई फाइल आप कॉल करते हैं, तो आप सिंपली सबसे पहले किसी फाइल को किसी भी फोल्डर के अंदर है रूट के अंदर, तो आप उस फोल्डर का नाम, सब फोल्डर का नाम यहाँ पे देते हो और इस तरह से उस फाइल को आगे कॉल करते हो। सिमिलर सॉर्ट ऑफ वे में ये जो क्लास प्रोडक्ट है ये ऐप नेम स्पेस के अंदर है, तो सबसे पहले मैंने ऐप नेम स्पेस यहाँ पे यूज़ कर लिया, देन बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद आएगी प्रोडक्ट क्लास जो भी आप वहाँ पर जाके यूज़ करना चाहते हैं। तो अब जाके अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, यस, इट फाइनली एग्जीक्यूट्स और ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे नेम स्पेस के थ्रू इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वन थिंग। और जैसे मैंने कहा, आप यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपीज भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, टेस्ट, और इसमें सिंपली मैं एको कर लेता हूँ हाई फ्रॉम नेम स्पेस, और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे बाहर वर्चुअल में भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन टेस्ट के नाम से बना देता हूँ और इसको हेलो फ्रॉम रूट सिंपली कर लेता हूँ। और मैं अब इस टेस्ट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ वर्चुअली जो डिफाइन है वो इस तरह से, और यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि दोनों का जो आउटपुट है वो सेपरेट लाइंस में आए। और जैसे हमने अपना जो फंक्शन टेस्ट है दूसरा वो यहाँ पे कॉल किया है इस नेम स्पेस ऐप के अंदर, तो मुझे सबसे पहले जैसे मैंने कहा नेम स्पेस यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ब्लैक बैकवर्ड स्लैश देन योर फंक्शन। अब ध्यान दीजिए, टेस्ट नाम से यहाँ पे भी एक फंक्शन है और टेस्ट नाम से यहाँ पे भी एक फंक्शन कॉल कर रहे हो। अब देखते हैं ज़रा एग्जीक्यूट होता है या नहीं। यस, आई एम गेटिंग द आउटपुट। मैं ज़रा इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब इसको देखिए आप यहाँ पे दोनों फंक्शन से कॉल या दोनों फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रेदर देन या इंस्टेड जो भी आप देख लो, इनका नेम दोनों का सेम है लेकिन फिर भी वो प्रॉपरली उनको एग्जीक्यूट कर पा रहा है। ये खासियत रहती है नेम स्पेस से, नेम स्पेस से ये खासियत रहती है कि आप सेम नेम से मल्टीपल जितने भी कॉपीज यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो वो आप इस तरह से डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, दिस वन। और एक और चीज़ रहती है, जैसे सपोज दैट अब प्रोडक्ट जो क्लास है आपकी ये इस ऐप नेम स्पेस के अंदर है, लेकिन यहाँ पे इस प्रोडक्ट क्लास के अंदर आप सपोज दैट आपको किसी दूसरे, जैसे ये डेटाबेस क्लास है, ये आपके पास जैसे कोई भी यहाँ पे नेम स्पेस डिफाइन नहीं है, तो ये इसके रूट नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो अब अगर इस डेटाबेस क्लास को मैंने यहाँ पे जाके यूज़ करना है, इस क्लास को यहाँ पे यूज़ करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत है मुझे यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे करूँगा। जैसे मुझे डीबी ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए इसको फर्दर एग्जीक्यूट करने के लिए, डेटाबेस क्लास का डीबी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जैसे यहाँ पे आप इसको रूट डायरेक्टरी में, अभी आप कहाँ पे हो, यहाँ पे नेम स्पेस ऐप के अंदर हो और आपने जाना है रूट में ताकि आप इस डेटाबेस क्लास को एक्सेस कर सको, तो आप सिंपली यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लगाओगे, बैकवर्ड स्लैश, और अब जाके देखते हैं ज़रा एग्जीक्यूट होता है या नहीं। यस, इट इज़ एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली। तो इस तरह से आप जो है नेम स्पेस के बाहर भी अगर कोई क्लास है, जैसे रूट नेम स्पेस के अंदर जाके कोई क्लास है, वो आप इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना, ये यूज़फुल काफ़ी। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ मैं नेम स्पेस का यूज़ करके दोस्तों, जैसे आप नेस्टेड जितना भी इसको लॉन्ग नेम यहाँ पे नेस्टेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे नेम स्पेस माई फाइल, देन इसको एक और जैसे कोर, देन न्यू, इस तरह से
प्रोडक्ट, इस तरह से मैंने एक इसको नेम स्पेस यहाँ पे डिफाइन किया है। तो कितना यानी यहाँ पे 1, 2, 3 एंड फोर्थ लेवल में यहाँ पे जैसे इसमें एक हायरार्की मैं यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो इसको जब मैं यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं, यस ये फाइनली रन हो रहा है। लेकिन ये एक बेटर अप्रोच नहीं रहती है जब आपका जैसे कोई भी आप नेम स्पेस यहाँ पे इतना लंबा जब हो जाता है या इससे भी बढ़ जाएगा इसका नेम, तो एक बेटर वे में जब आप हर बारी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप इस तरह से उसको इंस्टेंशिएट करोगे, तो ये एक बेटर अप्रोच नहीं रहती है। तो इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है PHP में। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, यूज़ कीवर्ड का आप यहाँ पे यूज़ करोगे और उसके बाद इस तरह से उसको डिफाइन कर दोगे आप अपनी क्लास कि मेरी जो क्लास है वो इस नेम स्पेस के अंदर है, और आप सिंपली उस क्लास को इस तरह से इंस्टेंशिएट कीजिए एंड देन उसको यूज़ कर दीजिए। ये देखिए प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप फ्रेमवर्क में आपने ये काफ़ी कॉमन देखा होगा, जैसे आप लैरावेल का यूज़ कर रहे होंगे तो लैरावेल में जब भी आपके भी आप अपने कंट्रोलर में या अपने मॉडल में जाके जैसे कोई भी क्लास को इंपोर्ट करते हो यूज़ करते हो तो सिंपली इस तरह से वो सबसे टॉप में डिफाइन की जाती है। देन आप अपनी क्लासेस या जो भी फर्दर क्लास जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है जिसको एग्जीक्यूट करना है तो फिर आप इजीली उसको इस तरह से इंस्टेंशिएट कर सकते हो या उसके थ्रू फर्दर आप कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके सो दिस इज नेम स्पेस। एंड वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे एडअप करना चाहता हूँ, एक और चीज़ है, जैसे सपोज दैट मैंने कहा था कि जैसे सेम नेम से जैसे आपके पास क्लासेस हो जाए तो यहाँ पे एक और चीज़ रहता है कि आप यहाँ पे उसको अपनी क्लास को एक निक नेम भी दे सकते हो कि जैसे एक आप सेम क्लास नेम का जो कन्फ्यूजन है उसको अवॉइड करने के लिए आप अपनी क्लास को इस तरह से एज कीवर्ड से माय प्रोडक्ट ये आपने अपनी क्लास को नाम दे दिया तो यहाँ पे इसका एलियस या आप निकनेम भी दे सकते हो, इस तरह से सेट कर सकते हो और फिर जाके आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। सेव एंड देन आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। यस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये रहती है नेम स्पेस की खासियत, किस तरह से आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और कितना बेटर वे में आप अपनी क्लासेस को यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट दोस्तों नेम स्पेस का। होप आपको काफ़ी हद तक जो है क्लियर हुआ होगा कि नेम स्पेस एक्चुअल तौर पे क्या है, किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्या बेनिफिट रहते हैं नेम स्पेस के। तो होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।